गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और जैसे कि आपको बताया था मैंने कि आज हम फ्रेंड्स का डे आउट है, तो उसी के लिए रेडी वेडी हो गई हूँ मैं और बस हम निकल रही हूँ। लेकिन उससे पहले सीखूं तेरी गलतियों से, मैं बेगाने होते कर दिशे बेगाने, फैसले हमारे साथ पत्नी वर्ता धर्म निभा रही हूँ। टिफिन की सारी पैकिंग करनी है क्योंकि मैंने ऑलरेडी दो दिन पहले ही पैक कर लिया था सब कुछ। टिफिन क्या पहन के जाएंगे वो सब निकाल रही हूँ, नहीं तो फोन करके पूछेंगे दिव्य क्या पहनना है, कहाँ रखा है, कैसे रखा है, तो अब सब उनका भी डन करके जा रही हूँ क्योंकि अब हमें जाना है विपिन के होम टाउन। और हम लोग यहाँ आ गए हैं कैफे में और वहाँ बिल्कुल जगह नहीं है, प्री बुकिंग कराई फिर भी नहीं, तो दिव्या ने अपना दिमाग चलाया और अब हम जा रहे हैं एक ऑटो में। इतने सारे बंदे दिखाती हूँ, एक पैसेंजर मेरे को मिला के दो तीन चार पाँच छह, देख लो हम कैफे के लिए उतरेंगे ना। अंकल चलान तो नहीं होगा ना? नहीं 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 नहीं, पक्का ना? ठीक है। Finally we reach at the cafe, जो कि है नाम क्या था, the beer cafe। क्या हुआ ये देखो कैमरा, बोलो हेलो कैमरा को, बोलो हेलो हेलो। पहले पहले हम सिर्फ इससे मिलने आते थे, अब ये तो हट गई है, अब हम सिर्फ इससे मिलने आते हैं। फ्लाइंग किस एल्फ क्या खाएगी? एल्फ ये देखो कैमरा, एल्फ कैमरा ये देखो कैमरा। हाँ अच्छा एल्फ, एल्फ हाय बोल दो। एल्फ ये देखो Two years later. जो लड़की हमारे साथ कभी बाहर जाती थी सबसे पहले अपना पेट भरती थी, आज वो अपनी पहले बेटी का पेट भर रही है। यही होती है माँ, यही होती है माँ। ये देखो कैमरा, ये बोलो अच्छा कैमरा में हाय करो, हाय करो। यारी बार बार बेइज्जती कर रही है मेरे। और आ गया है अब हमारा बढ़िया बढ़िया खाना और एल्फ खा रही है। एल्फ ये देखो फ्राइज, और एल्फ की फेवरेट है ये देखो। खाना वाना सब डन हो चुका है, ये रहा हमारा खाना और अब चल रहा है हम लोगों का फोटो सेशन। यहाँ लायरा को ले इनके हाउस की वो आए हैं, वो बोलते हैं आई वॉन्ट टू प्ले विद हर। वर्मा वर्मा वर्मा, मैंने उनको बोला आपको क्लीन करना है कर लो, बोलते नो नो आई वॉन्ट टू प्ले विद हर। और अब हम हमारा चल रहा है फोटो सेशन और बेचारे ऋषि हमारे साथ पिसता है फोटो खींचने के लिए। वर्मा मजे आ रहे हैं यार, ये तो है वर्मा, वर्मा मजे आ रहे हैं है? नहीं आ रहे हैं। तुमको बहुत गर्मी लगी कि तुम पैदा ही हॉट हुई थी, भूल गई तुम कि तुम पैदा ही हॉट हुई थी, बॉर्न हॉट, यू गॉट अ मैन आल्सो हॉट। घर की ओर आ गए और वर्मा ने मुझे दिया था शादी का गिफ्ट क्योंकि दिव्या शादी पे नहीं आ पाई थी ड्यू टू सम रीजंस, उसको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। अच्छा सब ऊपर पहुंच कर पानी वानी या कॉफी वॉफी पीते और उसके बाद फिर अपना बांधा के लिए रवाना होते हैं। ओ बनी पार्वती, और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और देखो आते ही मैं जल्दी से मैं चेंज वेंज किया, मैं रेडी हुई और विपिन आप जाके नहाए हैं और अब बोल रहे हैं टॉवल दे दो, टॉवल दे दो। और हमारी 8 बजे की ट्रेन है और 6:15 ऑलरेडी हो चुके हैं, पता नहीं कब ये लड़के टाइम पे रेडी होना शुरू करेंगे। हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं अब हमारी ट्रेन की तरफ जो कि हमें पकड़नी है निजामुद्दीन से, और 8 बजे की हमारी ट्रेन है और अभी हमारे स्टाम है काफ़ी, हमने कैब कर ली और अब बस जल्दी से पहुंच रहे हैं। हाँ भैया राइट यहाँ से, और जल्दी से हम पहुंच रहे हैं हमारे डेस्टिनेशन की तरफ। गाड़ी में डंडा रखा हुआ है, तो मैं भैया से पूछ रही हूँ भैया सही में डंडा रखा है क्यों रखा है, तो भैया अब अपनी कहानी बता रहे हैं कि क्यों उन्होंने गाड़ी में डंडा रखा हुआ है। हाँ जी भैया, हाँ फिर भैया फिर क्या हुआ? एटा मैनपुरी में 2 बजे रात को रिंग रोड पे ही मेरे को प्राइवेट गाड़ी वाले वैगनार में 3 लड़के बैठे, ठीक है 2 लड़कियां थी मेरी गाड़ी में। अच्छा और मैं था, तो मुझे देख के डंडा दिखा रहे, कह रहे साइड में लगा। अच्छा मैंने ये मैडम कह रही रोक ना मत भैया, मकई आगे हटा देंगे तब भी तो रोकनी पड़ेगी। हाँ
मैंने साइड में लगा ली, मतलब हाँ भाई क्या परेशानी है, कह रहे बताऊं तेरे को गोली मार के यहीं घेर देंगे। मैं कहा अच्छा, मैं अपनी गाड़ी के पास तक आया, मैं कहा अच्छा भाई गोली मार देना मैं आ रहा हूँ। डंडा निकाला और तीनों फेंट गिरे मैंने। तीनों के तीनों ही मतलब फ्लाईओवर से नीचे फेंक दूंगा तुम्हें। नहीं 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 राइट ले लो यहाँ। हाँ भैया राइट ले लो। अब मैं पे बता रहा हूँ अभी, अब बताए चुके हैं अपनी ट्रेन पर और ये दिव्या मैडम ने अपनी सीट का पर कर लिया है कब्जा। और ये थी सीट नंबर पाँच दिव्या, सीट नंबर दो वाली दिव्या की, सीट नंबर पाँच मेरी क्योंकि मैंने लोअर बर्थ पे कर लिया है कब्जा। और एज नेसेसरी थिंग मैं ये सब चीज़ें खरीद के ले आया हूँ, तुलतुले बिस्किट बेलपूरी ये सब नेसेसरी चीज़ें हैं जब उड़ते हैं वो मैं खरीद के ले आया हूँ। और ये मैडम बैठी हुई है और इन्होंने स्टेशन नहीं दिखाया पूरा, क्या करोगे बांधा जाके वापस आ जाओ, मन नहीं लगेगा ना? ना लगेगा, लगेगा। देखो बच्चे रो रहे हैं, देखो बच्चे रो रहे हैं, भविष्य दिख रहा है, भविष्य दिख रहा है।